चलो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर द डाइजेस्टिव सिस्टम वी हैव डन न्यूट्रिशन होल ठीक है वी हैव रिवाइज द होल ऑफ द न्यूट्रिशन विद द प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स ह्यूमंस अमीबा हमने सारा कंसेप्ट कर लिया. अब हमारा सेकेंड टॉपिक जो है दैट इज रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द ह्यूमंस एज वेल एज द प्लांट्स ठीक है. सो द रेस्पिरेशन और द रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट विच विल बी फर्दर टेकिंग द रोल इन ह्यूमन बींग्स. So respiration. What is respiration? First of all, how can we define respiration? Anji, how can we define? For its definition, it is defined as by the two processes that is breathing and cellular respiration. Breathing involves yes, only taking in oxygen, giving out carbon dioxide. That is breathing. But when the oxygen is taken in, where does it go? It goes to the various cells where the further breakdown of food takes place, and this is called as cellular respiration. In cellular respiration, this is a cell exit, right? The oxygen what we inhale in goes to the cell, that goes to the cell, reaches each and every cell of our body. There it meets up with the glucose which is already present. क्योंकि अभी हमने न्यूट्रिशन किया, न्यूट्रिशन में आपने एक स्टेप पढ़ा था एसिमिलेशन, है ना. तो एसिमिलेशन से ऑलरेडी ग्लूकोज सारे सेल्स में प्रोवाइड हो चुकी है, ठीक है. अब यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज रिएक्शन देंगे. जब ये रिएक्शन हुआ तो ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन से ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड इट रिलीजेस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो अलॉन्ग विद द टू बाय प्रोडक्ट्स दैट आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर एंड द एनर्जी. So this carbon dioxide is what we give out or exhale out. Is this water also accompanied as an exhalatory product? हाँ जी, अगर आपसे पूछा जाए what are the exhalation products by humans, what you will say? It is carbon dioxide only, carbon dioxide along with water, carbon dioxide, water and energy, or only energy. कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आर द एक्सहेलेशन प्रोडक्ट्स. एक्सहेलेशन मींस जो बाहर निकाल रहे हम एज अ वेस्ट ऑफ गैसेस जो बाहर थ्रो किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड ओनली. आई रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन, व्हाट आर द एक्सहेलेशन प्रोडक्ट्स? कार्बन डाइऑक्साइड अलोन, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, अलोन एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ऑल थ्री. ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, टू आंसर्स आर कमिंग. यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू हैव एनी आंसर? ओके, आई टेल यू, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड. व्हेन वी आर स्पीकिंग, जस्ट पुट योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ, यू विल फील द वाटर वेपर इज ऑल्सो कमिंग आउट, है ना. इवन इन द विंटर्स जब हम लोग बात करते हैं तो धुआं निकलता है मुंह से. वो धुआं क्या होता है? दैट इज अ वॉटर वेपर्स दैट आर गिवन आउट बिकॉज एट दिस टाइम देयर इज हाई टेम्परेचर अराउंड अस, सो वी कांट सी दोज वेपर्स. बाहर आते ही वो और ज्यादा टेम्परेचर में मैचअप हो जाते हैं और वो और ज्यादा इवेपोरेट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं, हमें नजर नहीं आते. लेकिन वॉट अबाउट द लो टेम्परेचर कंडीशन लाइक विंटर्स? विंटर्स में क्या होता है, क्योंकि बाहर लो टेम्परेचर है, हमने जब एक्सहेल आउट किया तो यहाँ बाहर आते ही वो वाटर वेपर्स फ्रीज हो जाएंगे, फ्रोजन कंडीशन में, वो धुएं की कंडीशन में हमें नजर आते हैं, जो धीरे धीरे बाद में डिसअपीयर होता है, ठीक है. दैट इज बिकॉज ऑफ द आउटर टेम्परेचर, क्लियर. बट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर बोथ द एक्सहेलेशन प्रोडक्ट्स, ओके. ऑल्सो व्हाई आई एम नॉट सेइंग एनर्जी, थर्ड ऑप्शन मेरा था साथ में एनर्जी. एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सहेल नहीं हो जाना, वो बाहर नहीं निकल जाना ऐसे, वो तो अंदर यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है. वो तो हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन होगा. सो दैट इज द सेलर रेस्पिरेशन. व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. हाँ नहीं, उनके साथ रिएक्शन ही है. ऑक्सीजन इज, ये आपने रिएक्शन पढ़ा फोटोसिंथेसिस का, अभी अभी आप करके हटे. फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या था आपका? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, है ना. तो दिस इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, दैट इज रिवर्सल, ठीक है. फोटोसिंथेसिस का फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज द रिवर्सल रिएक्शन.
टुगेदर वी कॉल दिस एज अ मेटाबॉलिक रिएक्शन. मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दैट इज इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी ऑलवेज प्रोड्यूस सम ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड दोज प्रोडक्ट्स आर फर्दर ब्रोकन डाउन. ठीक है, सो बिल्डिंग अप रिएक्शंस दे आर कॉल्ड एज अ एनाबॉलिक रिएक्शंस. लिखना है तो लिख लो इसको, कभी कहीं यूज हो सकती हैं ये टर्म्स. मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? दैट्स अ यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मेटाबॉलिज्म, उनकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता रह रहा है. ठीक है, अमीनो एसिड ये वो चीजें जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं, बन रही हैं, खत्म हो रही हैं, तो दैट इज मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म दैट इन्वॉल्व्स द रिएक्शंस कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ओके, मेटाबॉलिज्म लिविंग्स का सिर्फ फीचर है, इसको नॉन लिविंग्स में नहीं बना सकते. मतलब लेबोरेटरी कंडीशन में हम सिंपल रिएक्शन करते हैं, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द मेटाबॉलिक रिएक्शन. ठीक है, मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स अ नेचुरल कंडीशन एंड नेचुरल ऑपरेटर्स, सेलुलर ऑपरेटर्स. ओके, सो दिस इज मेटाबॉलिक रिएक्शन. टू टाइप्स ऑफ द रिएक्शन आर देयर मेटाबॉलिक. वन आर कॉल्ड एज कैटाबॉलिक एंड अदर कॉल्ड एज एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक रिएक्शन आर द ब्रेकिंग डाउन रिएक्शन. कैटाबॉलिक को बोलते हैं ब्रेकिंग डाउन. जैसे अब ये कौन सी रिएक्शन है? ब्रेकिंग डाउन, कैटाबॉलिक, है ना. एंड एनाबॉलिक रिएक्शन आर द बिल्डिंग अप रिएक्शन. जैसे फोटोसिंथेसिस क्या है? बिल्डिंग अप रिएक्शन. ठीक है, एनाबॉलिज्म. गेटिंग? ओके, सो हेयर व्हाट इज हैपनिंग इज व्हेन वी आर कंसर्न विद द ब्रेकिंग डाउन लाइक दिस. ये रिवर्सल रिएक्शन में भी चल सकते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं, अलग अलग कुछ रिएक्शन होती है जिसमें लास्ट जो प्रोडक्ट हमारा बनना है उसमें सिर्फ ब्रेकिंग हुआ ना, बिल्डिंग तो हुआ ही नहीं. ठीक है, तो ये क्या हुआ लास्ट में? सॉरी, बिल्डिंग हुआ, ब्रेकिंग नहीं हुआ. ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये क्या है, जब ये ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज नॉट जस्ट वन रिएक्शन, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस. ठीक है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो भी मैं यहाँ पे लिखाऊंगी ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के नाम से. ठीक है, सो वो सीरीज ऑफ रिएक्शन में क्या है? पहला एक कंपाउंड जो है वो मिक्स हुआ, वो कुछ नया बना, बिल्डअप हुआ, अब वो टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया. जब बिल्डअप हुआ तो एनाबॉलिक, जब ब्रेकडाउन हो गया तो कैटाबॉलिक. फिर वो आगे कुछ नया बना रहा है, फिर वो आगे नया कुछ बना रहा है. सो इट इज अ सीरियल ऑर्डर चेंज ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, सो इट इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस हेयर विद इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन. ये इतना सा एरो, लेकिन यहाँ पे कम 20-25 रिएक्शन हो रही है. ठीक है, कितने सारे कंपाउंड्स बन रहे हैं, कितने सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग यूज्ड हियर एंड देन फाइनली वी आर गेटिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज अ प्रोडक्ट. ओके, गेटिंग? सो दिस इज कैटाबॉलिक व्हेन इट इज ब्रेकिंग डाउन, दिस इज एनाबॉलिक व्हेन इट इज बिल्डिंग अप. आपसे क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ लेते हैं, अंडर विच कैटेगरी कैन यू प्लेस द फोटोसिंथेसिस, अंडर विच कैटेगरी कैन यू प्लेस फोटोसिंथेसिस. ठीक है, आपको वहां पे रिएक्शन दे देते हैं एनाबॉलिक कैटाबॉलिक, उधर से आपको एनाबॉलिक रिएक्शन कैटाबॉलिक रिएक्शन और केमिस्ट्री की दो दे देते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड व्हाटएवर जो भी आपने पढ़ी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेट्स से. ठीक है, तो वो रिएक्शन अब आपकी आगे चार ऑप्शन. हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है कि रिएक्शन रिएक्शन वर्ड लिखा है तो ये केमिस्ट्री बेस्ड है ना, आंसर्स में हमारा मेंटल लेवल तो यही कहता ना कि अंदर आंसर में रिएक्शन रिएक्शन टर्म आ रहा है तो केमिस्ट्री बेसिस आ रहा है, तो केमिस्ट्री बेसिस पे हम लोग केमिस्ट्री के जैसा कुछ सोचने लग जाते हैं, है ना. हो सकता है वो डीकम्पोजिशन या कुछ ऐसे वाला भी आ जाए, लेकिन अप्रोप्रिएट इज इट इज टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इफ यू आर गिवन एनी ऑफ दीज टू आंसर्स कैटाबॉलिक एनाबॉलिक देन थिंक ऑफ दैट इफ इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, द आंसर विल नॉट बी रॉन्ग एट एनी कॉस्ट. ठीक है, अब क्या होता है फोटोसिंथेसिस? एनाबॉलिक. ठीक है, एनाबॉलिक रिएक्शन एंड द फिनोमेना दैट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट्स टू फोटोसिंथेसाइज दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म. सेम एज मेटाबॉलिक का मेटाबॉलिज्म बना, एनाबॉलिक का एनाबॉलिज्म बना, कैटाबॉलिक का कैटाबॉलिज्म बना. ठीक है, दैट्स द कैपेबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू फोटोसिंथेसाइज, दैट इज एनाबॉलिज्म. ओके, गेटिंग? हाँ, कैटाबॉलिक में ये आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा. ठीक है जी, गेटिंग? ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज, ये तो हमने लिख लिया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है. आर देयर एनी इंस्टेंसेस वेयर द ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज? हाँ जी, आर देयर एनी इंस्टेंसेस वेयर
anaerobic respiration. That is when we, the complex organisms, we respire anaerobically. We are not respiring anaerobically at any cost. ठीक है, हम respire anaerobically कर ही नहीं सकते हैं, बट हमारे मसल सेल्स करते हैं. जब हम रिगरस एक्सरसाइजेस करते हैं, हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं, तब मसल सेल सिर्फ हमारे रिस्पायर करते हैं एनरोबिकली, बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग दोज ऑक्सीजन. इफ द ऑक्सीजन इज नॉट देयर फॉर द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट? लैक्टिक एसिड इन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, आई एम सेइंग. सो हमारे पास ग्लूकोज ब्रेक डाउन के पाथवेज हैं. व्हाट आर दोज? Firstly, the glucose breaks down into an intermediate, that is pyruvate, also called as pyruvic acid. Pyruvate, also called as pyruvic acid. So this is further broken down either in the presence or in the absence of oxygen. So when it is broken down in the presence of oxygen, this is plus oxygen, means plus oxygen means it is aerobic respiration. ठीक है, so as a result the answer will be carbon dioxide along with water along with how much energy? 36 to 38 ATP molecules or 36 or ATP, 38 ATP molecules, दोनों में फर्क है. 36 to 38 होता है कि 36 or 38 होता है? 36 or 38 होता है. 36 और 38, 37 नहीं बनेगा, इधर 36 बनेगा और 38 बनेगा. ठीक है, आपको इन छोटे छोटे वर्ड्स नहीं कंफ्यूज करना है एमसीक्यूज में. ठीक है, हमारे वाले एमसीक्यूज हमने अपने हिसाब से बनाए हैं, थोड़े कुछ टफ थोड़े कुछ सिंपल, लेकिन आपकी सीबीएसई के सारे एमसीक्यूज बहुत सिंपल होंगे. बट द ओनली थिंग इज दे विल बी कंफ्यूजिंग यू इन दीज इंग्लिश ग्रामेटिकल वर्ड्स. ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे यही वाले आंसर्स में गड़बड़े करवाने वाले हैं वो. यहाँ तो बिल्कुल क्लियर कट आंसर मिलेगा, या ऐसी छोटी छोटी सी चीजों से आपके आंसर्स के गड़बड़ हो सकती है. ठीक है, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीबीएसई बोर्ड, राइट? सो उस हिसाब से आपने तैयारी करनी है. ओके, नाउ इन द सेम कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इफ इट इज एब्सेंट, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, देन इट रिजल्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड इन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. सुना करो, लैक्टिक एसिड मैंने पूछा, दैट इज इन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. हम कम्प्लेक्स हम है. ठीक है, इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, लोअर ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म, एल्कोहल एंड एसिड. एल्कोहल कौन सा होता है? इथेनॉल. इथेनॉल अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड. द एल्कोहल इज एकम्पेन्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड इज नॉट. कार्बन डाइऑक्साइड लिखना चाहिए था मुझे लैक्टिक एसिड के साथ या नहीं? नहीं, तभी क्रैम्प्स पड़ते हैं. अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता तो शायद वो एक्सहेल आउट हो जाता है ना, फिर तो उसका वेस्ट जो है रिमूव आउट हो जाता, ये खुद ही एक्यूमुलेट हो गया अंदर और निकलने का नाम नहीं लेता, तब तक के लिए क्रैम्प्स पड़ते हैं. समझ गए? तो दैट इज लैक्टिक एसिड. ओके, सो इथेनॉल इज व्हेन इट इज द लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक दैट ऑफ ईस्ट, एंड व्हेन इट इज अ हायर ऑर्गेनिज्म लाइक दैट ऑफ ह्यूमन बींग्स, बट द मसल्स दे आर हैविंग द मसल सेल, लिख दो बेटर है. सो व्हेन दे आर रिस्पायरिंग anaerobically, then it is called as then the exhalatory product will be lactic acid, but that takes particular time to be removed out from your body. Because of its accumulation in the muscles, it results into the muscular cramps. How the muscular cramps can be resolved out? Hot water bath and hot oil massages. ठीक है, hot oil massage या hot water bath के साथ इसको थोड़ा relieve किया जा सकता है, relax किया जा सकता है. ठीक है, अब यहाँ पे आती है रिएक्शंस की, जो नाम जो मैंने अभी बोला था, देयर इज सीरीज ऑफ रिएक्शंस. द फर्स्ट सीरीज ऑफ रिएक्शंस दैट रिजल्ट्स इनटू पाइरुवेट फॉर बोथ एरोबिक एनारोबिक के लिए कॉमन क्या है? व्हाट इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक बोथ? है व्हाट इज कॉमन इन द पाथवेज ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक? इट इज अ इंटरमीडिएट, that is a pyruvate. ठीक है, so pyruvate is common for both, that the glucose will be first resulting into pyruvate and hence it will be forming its product according to the oxygen's presence or absence, जो भी होगा. ठीक है, अब यहाँ पे मतलब ये glycolysis तो होना ही है, pyruvate तक तो चलना ही है. ठीक है, उसके बाद अगर तो oxygen की presence में जा रहा है, then we call it as Krebs cycle. अब Krebs cycle हम लोग जब ही answer में produce करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं, which is wrong. ठीक है,
आपको भी आ सकता है कि व्हाट इज रॉन्ग इन द गिवन पाथवे. ये आपको पाथवे यहाँ पे तीन बना के दे दिया, डायग्राम बना के दे दिया, कुछ भी रॉन्ग गलत लिख दिया ऊपर नीचे, तो आपको वो आइडेंटिफाई करना है. हो सकता है क्रेब साइकिल यहाँ ना लिखे, यहाँ लिख दें, विच इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग. ठीक है, क्रेब साइकिल इज ओनली वेन इट इज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर लोअर ऑर्गेनिजम डू वी हैव एनी टर्म यूज फॉर द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस व्हेन एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स. Have you heard of any of the term in your lower classes? You have heard, but you are not having any idea, maybe. Anji, have you heard of the process which results in the sugars conversion to alcohols? जब ये grapes वगैरह से wines वगैरह बनती हैं, Anji, Krishan, Anji. Fermentation. Yes, it's fermentation. Very good. So this is when the sugars they are broken down into alcohols. है ना, ये जो खट्टा सा टेस्ट आता है, जो ये मतलब मीठी चीजों से बनाए जाते हैं, ग्रेप्स से वाइन्स बनाई जा रही हैं, but they are not having that sweetened taste. ठीक है, that is because of the production of the alcohol. There the lower organisms they convert the sugars into the alcohols and the process hence is called as fermentation. ठीक है, fermentation. मे बी आपकी एनसीईआरटी में भी मैंशन होगा, इट इज फर्मेंटेशन. ठीक है, यू मस्ट नो द टर्म्स, बायोलॉजिकल टर्म्स. कुछ एक चीजें आपकी नॉलेज से भी पूछी जाती हैं, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होती हैं वो वाली. ठीक है, सो दीज आर द थ्री कैन से प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट द फर्स्ट वन रिएक्टेंट एंड द लास्ट प्रोडक्ट एरोबिकली एंड एनएरोबिकली. नहीं, मसल सेल्स में सिर्फ क्रैम्प्स. हाँ जी, नाउ गिव मी that how many molecules of pyruvate will be formed by the breakdown of the glucose. When one molecule of glucose is broken down, how many pyruvates are formed? How many? Two pyruvates are formed. Why? Because this is 6-carbon atom compound, okay? And pyruvate is a 3-carbon atom compound. So how many pyruvates are formed? It is 2. Formed from one breakdown of the one glucose, 2 pyruvates or pyruvic acids are formed. Done. Now, how many carbon dioxide will be formed from each pyruvate? How many carbon dioxide will be formed from each pyruvate? Anji Dhruv Mehta. Anji, bache, unmute karo. Unmute yourself. Unmute. हाँ बोलो. Three carbon dioxide from one pyruvate. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था सबसे पहले कि 6 carbon dioxide चाहिए एक ग्लूकोज को बनाने के लिए. एक ग्लूकोज टूटेगा तो 6 carbon dioxide छोड़ेगा ना. ठीक है, एक ग्लूकोज के टूटने पे 6 carbon dioxide रिलीज आउट हो जाएंगे, है ना. 6 molecules of the carbon dioxide are released out, but one glucose is also resulting in the formation of 2 pyruvates. 2 together are resulting in the formation of 6 carbon dioxides. ठीक है, समझ आएगा नहीं? ठीक है, एक हमने पहले फोटोसिंथेसिस वाला रिएक्शन याद है, तब मैंने आपको क्या करवाया था, हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. हमने तब बात करी थी 6. ठीक है, क्योंकि बैलेंसिंग करा था तो 6 आ रहा था. 6 carbon dioxide मिले थे तो एक ग्लूकोज बना था. अब एक ग्लूकोज टूटेगा तो 6 carbon dioxide देगा, ये तो पता है हमें. ठीक है, पर इंटरमीडिएट आ गया 2 pyruvates. कहने का मतलब क्या है, एक ग्लूकोज तोड़ रहा है, 2 pyruvates बना रहा है, हर एक कितने बनाएगा. अब 2 pyruvates टुगेदर 6 बना रहे हैं तो कल्ला कल्ला कितना बनाएगा, 6/2, 3. ठीक है, ये pyruvates जो होते हैं ये अलग अलग साइकिल अपना ओबे करना शुरू कर देते हैं. क्रेब साइकिल बोला ना मैंने. ठीक है, वन पायरुवेट इज इन्वॉल्व इन वन साइकिल, अनदर पायरुवेट इज इन्वॉल्व इन अनदर साइकिल. ठीक है, तो क्रेब साइकिल का पूरा ये हमारे पास रिजल्ट आएगा एज 3 carbon dioxide फ्रॉम 1 क्रेब साइकिल. ठीक है, एक क्रेब साइकिल से 3 carbon dioxide हमारे पास ऑन एंड ऑल टोटल रिमूव आउट हो रहे हैं फ्रॉम 1 क्रेब साइकिल, मीन्स फ्रॉम 1 pyruvate, एंड फ्रॉम द 2 together इट इज टोटल 6. अब आपकी बैलेंसिंग की फिर से बात आती है. अब C6H12O6 + O2 करेंगे एंड इधर कार्बन डाइऑक्साइड + वाटर करेंगे.
बैलेंसिंग करके देख लो एक बार ही, आपको पता चल जाएगा कितने कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, छह, है ना? तो सेम ही है. सो दिस इज इधर सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन टू फॉर्म वन ग्लूकोज, और वन ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिक्स कार्बन डाइऑक्साइड. द थिंग इज सेम, ठीक है? वो बात बस सेम है हमारी, पर ये बीच में एक नवी चीज आ गई. दिस इज अ थ्री कार्बन एटम बॉन्ड. ऑब्वियसली ये भी देखो, ये सिक्स कार्बन था, ठीक है? अब ये सिक्स कार्बन का एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. जब ये कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ेगा तो कार्बन इसके अंदर कितने हैं? एक ही है ना. यहाँ पे सिक्स कार्बन एटम कंपाउंड है, यहाँ पे ये एक कार्बन एटम कंपाउंड है, सिंगल कार्बन एटम कंपाउंड. तो ये कितने बनेंगे? छह. जैसे ये छह से तीन बने थे, दो, है ना? थ्री कार्बन वाले दो बने ना, ऐसे ही सिंगल कार्बन वाले छह बनेंगे, ठीक है? तो वो भी कंसेप्ट आप लगा सकते हो. क्लियर? डन. दिस इज अकॉर्डिंग टू मी दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू सम ऑफ द कैलकुलेशन. How it may be asked, but बच्चे फिर से वही बात, every individual can think of differently, ठीक है? Every individual can create the questions differently. So are the CBSE people, those who are very much experienced in making these things, ठीक है? So उन लोगों ने अगर ये questions बनाए, paper बनाया, वो किस तरह से क्या सोच के बना रहे हैं, that we can't challenge, that we can't even imagine, ठीक है? हो सकता है वो बहुत ही आसान question डाल रहे हैं, हो सकता है वो बहुत ही tough डाल रहे हैं, but we should be prepared for everything. अब अगर मैंने ये दो चीजें आपको कंसेप्ट में बताई हैं, आपको थोड़ा सा रिलेटेड कुछ ऐसा वैसा कुछ क्वेश्चन आ गया, यू शुड मोल्ड योर माइंड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है? तो मोल्डिंग आपको करनी पड़नी है, स्मार्ट वर्क आपको ही करना पड़ना है. हम आपको एक बेस दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है, हर टॉपिक से आपको रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं साथ साथ, लेकिन स्टिल द सेम, यू हैव टू प्रोवाइड द ओन मेंटल थिंकिंग्स इन दीज एमसीक्यूज, ठीक है? Because it is for us also, we are facing the first time whole paper as MCQ. Okay, with you people, we will be also facing it for the first time. And let's see how it is going to be, right? It'll be easy, don't worry with that. But only the concepts should be clear to you, right? Okay, so coming to the next is, so ye toh ho gaya humare paas, pathways of the breakdown of the glucose, breathing hota hai, cellular respiration hota hai, metabolism ho gaya. Coming to the next, what are the different टाइप्स होगी हमारी, एरोबिक एनारोबिक यहीं पे कंसीडर होगी, ठीक है? द टू प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, व्हाट आर द टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड? हैं, वो टाइप्स हैं. टू प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विद रिस्पेक्ट टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. यस, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. इनहेलेशन ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रीदिंग, इनहेलेशन इंस्पिरेशन. इनहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन, एक्सहेलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपीरेशन, ठीक है? सो इनहेलेशन, दिस इज, आई शेल राइट द अदर टर्म्स ऑल्सो, यू प्लीज कॉपी इट, क्योंकि कई बार दूसरी टर्म से ही पेपर में आ जाता है. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ अदर टर्म्स तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है. So this is inhalation and exhalation, the two processes involved for the respiratory system. System wise, diagram wise, already हम लोग बात कर चुके हैं कि जो system wise आपको question आएगा, that can be labeling, correct labeling ढूंढो, incorrect labeling ढूंढो. Labeling A B C D में दी है, match करो, ठीक है? जैसे आपको कोई भी diagram आ गया है, आपको यही respiratory system का diagram आ गया, ठीक है? यहाँ पे bronchioles and the larynx, मतलब I'm just making the rough sketch, ठीक है? Then these are the bronchioles and the bronchi and this is the lung section, ठीक है? तो ऐसा कुछ something like, ठीक है? तो ये आपका diagram है, right? अब इसमें आपको labeling के क्या किया उन्होंने, this is let's say A, B, C and D, right? यहाँ पे आपको A, B, C, D diagram में बना के दे दिया, ठीक है? एबीसीडी आपको लेबल करके दे दिया डायग्राम में, और साथ में आपको कोड्स दे दिए हैं लेबलिंग के लिए. हो सकता है वो चार ही कोड्स दे रहे, ठीक है? इन्हीं को रैंडम करके लिख दे. यहाँ पे डायफ्राम है, और क्या क्या है यहाँ पे देखो, एक तो डायफ्राम है, लंग्स हैं, ब्रोंकियोल हैं, और लेरिंग्स है, ठीक है? लेरिंग्स इज देयर एंड ब्रोंकियोल नहीं, ब्रोंकाई इज देयर, ठीक है? हो सकता है ये चार आपको लेबल ऐसे दे दें, हो सकता है दो एक्स्ट्रा दे दें, ब्रोंकियोल्स भी दे दें, साथ में आपको कुछ भी और दे दें, ट्रेकिया दे दें, ठीक है? आपको कंफ्यूज करने के लिए, ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई का कंसेप्ट सी से आपका कंफ्यूज हो जाना है, और
ए से लेयरिंग्स और ट्रेकिया का कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। एपिग्लॉटिस भी आ सकता है ऊपर, जो नॉवलिक स्ट्रक्चर आता है, फ्लैपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिंपल ये दो चीजें दी हैं, एक साइड ए बी लिखा है, दूसरी साइड 1 2 लिखा है, ठीक है। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन बन के आ सकता है, दैट कैन बी लाइक मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में अब आपकी ऑप्शंस क्या होंगी बेटा, ऑलवेज सी आपकी जो आंसर ऑप्शंस होती है ना, जो ए बी सी डी आपको एमसीक्यू में आएगा, वो स्मॉल ए बी सी डी अल्फाबेट्स पे आएगा होपफुली, ठीक है। तो स्मॉल ए बी सी डीज आर योर आंसर एंड द मैचिंग्स आर इन फ्रंट ऑफ इट, लाइक ए मैचेस विद 1 और ए मैचेस विद 2 और ए मैचेस विद 3 और ए मैचेस विद 4, ठीक है। अब हमारा ए है क्या, लेरिंग्स 3 वाला, ये वाला आंसर सही बनेगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, दो ऑप्शन होती हैं यहाँ पे, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया, लेट से उन्होंने ये 3 3 कर दिया, ठीक है, 2 4 कर दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी 3 है, ये भी 3 है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाला लेवल देखेंगे, बहुत रेयर होगा कि आपको फर्स्ट से ही पता चल जाएगा, ठीक है। फिर आप सेकंड मैच ढूंढोगे, फिर थर्ड मैच ढूंढोगे, लेकिन वो सारे होंगे कहाँ पे, उसी लाइन में। जैसे ये बी का क्या है हमारा, दैट इज लंग्स 2 है, ठीक है। सो बी इज 2, ठीक है। आपको सारा सीक्वेंस ढूंढना है, ए बी सी डी में आपके मैचेस सेम जाते हैं कि नहीं, ठीक है। ये तो हुआ जब आपके पास सिर्फ दो ही कॉलम्स है, एक कॉलम ये वाला और दूसरा कॉलम ये वाला। हो सकता है वो तीसरा कॉलम भी दे दें आपको, ठीक है। हो सकता है उसका फंक्शन दे दें साथ में, हो सकता है, ठीक है। सो देयर इज द पॉसिबिलिटी दे गिव यू द थर्ड ऑल्सो। देयर हाउ विल यू मैच, दिस इज ए 3 एंड लेट्स से उन्होंने रोमन्स में दे दिया 1, ठीक है। तीसरा कॉलम जो है वो 1 2 3 4 का करके कर दिया, फंक्शन मैच करना है साथ में, ठीक है। अब आपकी लेबलिंग भी मैच हो रही है, बहुत जगह पे लेबलिंग मैच होती फिरेंगी, लेकिन फंक्शंस को मैच करना फिर से मुश्किल काम है। सो दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चंस, ये हो सकता है सिंपल डायरेक्ट हो सकता है सीधा डायरेक्ट हो कि ए बी सी डी मैच करो, हो सकता है आपको सिंपल यहाँ पे नाम लिख के ही दे रही हैं और पूछ रहे हैं कि विच इज अ रॉन्गली लेबल्ड पार्ट, विच इज अ करेक्टली लेबल्ड पार्ट, ठीक है। करेक्टली लेबल कौन सा है, रॉन्गली लेबल कौन सा है, वेरी माइन्यूटली यू हैव टू ऑब्जर्व दिस, गेटिंग ओके। बट वेन यू गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इट इज अ 1 मार्क ओनली। कॉलम्स वो 2 क्रिएट करें, 3 क्रिएट करें, जितने मर्जी कॉलम बनाए, लेकिन आपको मिलना एक ही नंबर है। वो होते हैं टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग। कुछ एक क्वेश्चंस आपको आएंगे जो फटक से हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर नीचे है, फटाफट से देखोगे, वहां टाइम वेस्ट नहीं करना। यू हैव टू सेव योर टाइम फॉर ऑल दोस कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, ओके, गेटिंग। यहाँ पे तो हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ही डायग्राम है, ठीक है। जैसे अमीबा भी किया हमने, दैट इज इन केस ऑफ द न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो वहां पे हमारे पास 5 डायग्राम्स है। देयर आई टोल्ड यू 5 डायग्राम कैसे आपको रैंडम भी आ सकते हैं, अरेंज देम, फिक्स देम इन अ करेक्ट सीरियल ऑर्डर, ठीक है। अब वो 5 की बजाय आपको 6 भी डाल सकते हैं, 7 भी डाल सकते हैं, कैसे, वो एक ही स्टेप को एक थोड़ा पहले से शुरू कर देंगे, एक थोड़ा बाद में खत्म कर देंगे, कुछ भी ऐसा, ठीक है। आपकी जो एक्टिविटीज है फोटोसिंथेसिस की, उनमें भी ऐसे ही डायग्रामेटिक आ सकता है, रिटर्न में भी आ सकता है, रीअरेंज द स्टेप्स आ सकता है, सिंपल। आपका पूरा प्रोसेस जो हमने फ्लो चार्ट फॉर्म में किया था, ये रिमेम्बर, उसके स्टेप्स हैं। आपको बोले रीअरेंज करो, कुछ भी उल्टा सुलटा करके दे दिया, यू हैव टू रीअरेंज, है ना। तो ये चीजें आपको किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, पेपर में। गेटिंग, वेन यू आर लर्निंग, व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दिस थिंग, कि आपको क्यों मैं बार बार बोलती जाती हूँ बच्चे, कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग से क्रिएट हुआ है, किसी और के दिमाग से कहीं और किसी तरीके का हो सकता है ना। सो व्हाई आई यूज टू से दिस ऑलवेज, इट इज बिकॉज वेन यू पीपल आर लर्निंग योर सब्जेक्ट, बिकॉज मेनी ऑफ यू माइट हैव स्टार्टेड विद योर पेपर प्रिपरेशन, इट इज फर्स्ट टूडे, है ना। सो 13th को आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, होपफुली 13th 14th से, ठीक है। सो आप लोग के पास अभी अप्रोक्सीमेट 12 दिन, विद इन दीज 12 डेज यू मस्ट बी रिवाइजिंग द थिंग्स, लर्निंग पार्ट हो चुका है शायद, और रिवाइजिंग में आपने अपने से भी क्रिएट करने क्वेश्चन, अगर ऐसा हो तो कैसा होगा, ऐसा हो तो कैसा होगा, है ना। क्वेश्चन है रीअरेंज करना है, रीअरेंज के लिए अब आप उसको उल्टा सुलटा करके लिखने में टाइम मत वेस्ट करना, सिंपल आप बोलना कि ये स्टेप से ठीक है, दैट शुड बी अ कंसेप्ट इन योर माइंड, दैट शुड नॉट बी अ रट्टा, ठीक है। रट्टा नहीं मानने हमें, कंसेप्ट कंसेप्ट जितने क्लियर होंगे उतने आपके आंसर सही जाएंगे। ब्रोंकाई आपको सिंपल फंक्शन नहीं तो वहां पे लिखेंगे दीज आर द 2 यूनिट्स,
branched further. The main unit of the trachea is divided. Function यही है, बस gases को transport करता है from the trachea to the lungs or to the bronchioles, we can say. ठीक है, कुछ भी उनके related. ऐसा नहीं है कि अगर वो function ऊपर heading नहीं देना उन्होंने column में कि ये function दे रही, उसका structure point दे सकते हैं, उसका other name दे सकते हैं, है ना, mix भी दे सकते हैं, mixing भी दे सकते हैं आपको. कुछ का नाम अदर नेम दे रहे हैं, कुछ का फंक्शन दे रहे हैं, कुछ का स्ट्रक्चर बता रहे हैं. यू हैव टू थिंक ओवर एंड यू हैव टू कनेक्ट इट. ठीक है, मैच द कॉलम में ऊपर हेडिंग लिख के आएगा. ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही रेयर है. ठीक है, सिर्फ आएगा द टू मैचेस, द टू कॉलम्स हैव बीन गिवन टू यू, चूज द करेक्ट आंसर दैट प्रोवाइड्स द करेक्ट मैचेस टू द ऑप्शंस ए बी सी डी. चलो, ये आपको क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, so this way you have to prepare it. Today you are having the revision test too. You will be getting through some of the questions. Hopefully that will be a good set of questions to you, right? And you provide your good answers. Prepare well and then provide the answers before your exam. Revise the things and then start your revision test. Okay, all the very best to all of you for your today's revision test.